बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गहरी नींद में सोई मां के साथ खेल रहे इस बच्चे को नहीं मालूम कि उसकी मां अब हमेशा के लिए सो गई है। उसे नहीं मालूम कि हर दिन मां जिस चादर को ओढ़कर सोती है वो अब उसका कफन बन चुका है। चादर खींचने पर भी मां की झिड़की नहीं मिलने पर वो शायद हैरान भी होगा, लेकिन हकीकत तो अब यही है कि अब वो चादर खींचेगा भी तो मां उठकर डांटेगी नहीं, कुछ नहीं बोलेगी, ना डांटेगी, ना पीछे पीछे दौड़ेगी, ना दुलारेगी, ना पुचकारेगी, ना जबरन खिलाएगी। आज सब कुछ छीन गया उसका, लेकिन बच्चे के पिता को कोरोना की वजह से पहले से ही अपनी उजड़ी हुई दुनिया के और बिखरने का पूरा एहसास है। पिता ने बताया कि गुजरात से शुरू हुए 4 दिन के लंबे सफ़र में भीषण गर्मी ने ट्रेन में ही मेरी पत्नी की जान ले ली, अब इसे लेकर अपने घर कटिहार कैसे जाऊंगा। इस महिला की ही तरह पिछले 2 दिन में सिर्फ बिहार में ट्रेन में 5 लोग दम तोड़ चुके हैं। आज भागलपुर, बरौनी और अररिया स्टेशन पर एक एक व्यक्ति की मौत भी इसी तरह हुई। कल मुजफ्फरपुर स्टेशन पर 1.5 साल के बेटे का शव गोद में लिए पिता ने बताया कि ट्रेन में 4 दिन तक पत्नी को खाना नहीं मिला तो दूध नहीं उतरा, बच्चा भी भूखा रह गया, ऊपर से भीषण गर्मी, रास्ते में ही तबीयत बिगड़ी और यहाँ आते आते मौत हो गई। इसी तरह मुंबई से सीतामढ़ी आ रहे एक परिवार में भी एक बच्चे की मौत कानपुर में हो गई। इन सब की मौत कोरोना से होती तो नियति को मानकर संतोष किया जा सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं। हालांकि मौत की वजह आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताई जा रही, लेकिन साथ सफ़र तय कर रहे लोगों से बातचीत करने पर ऐसा लगता है कि भीषण गर्मी में खाली पेट लंबा सफ़र तय करने के कारण ही ये मौत हुई है। रेलवे की जिम्मेदारी सिर्फ पटरी पर ट्रेन दौड़ा देने भर की नहीं है। शुरू में यदि रेलवे की तरफ से खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा था तो अब क्या हो गया, खाना देने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, नहीं खिला सकते तो कम से कम रास्ते में कुछ स्टेशनों पर ट्रेन रोककर कुछ वेंडर्स को या एनजीओ को स्टॉल लगाने की इजाज़त दे दें। हर कोई रिस्क ले ही रहा है तो थोड़ा और रिस्क ले लें। कई ट्रेनों में पंखे काम नहीं कर रहे, पानी तक की व्यवस्था नहीं है। फिर ये देखना चाहिए कि मुंबई और गुजरात से बिहार आने में 4 से 5 दिन क्यों लग जा रहे हैं। रूट ज़रूरत से ज़्यादा लंबा कर अधिक लोगों को पहुंचाने का क्या मतलब जब ये जानलेवा ही साबित होने लगे। आखिर 5 दिनों तक भीषण गर्मी में भूखे प्यासे कोई कैसे सफ़र तय कर सकता है।